छोड़ दे भाई, छोड़ दे छोड़ दे ब्रो, छोड़ दे यार, बैंक का। ओके अब दो और आईडी फिर से मिल गई है पेट पुश करने के लिए। पहले में तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कुछ 112 का, रैंक चल रहा है 1439 के आसपास, ठीक है। और हाँ, इसमें आज खेला नहीं हूँ, भैया जी खेले हैं अपना एक दो दो तीन घंटे से कुछ खेले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आज इसमें 40-50 का प्लस कर दूँ ताकि कल इजिली कॉन्कर हो जाए, ठीक है। आज कोई जल्दी नहीं है इसमें। बाकी साथ में यहाँ पे एक और आईडी का रैंक पुश कर रहा हूँ जिसमें रिक्वायर्ड है 347 का, और इसमें रैंक कुछ 4000 के आसपास चल रहा है। 347 का रिक्वायर्ड नहीं था, रिक्वायर्ड कुछ 460 का था। बाकी कैद जल्द देखो, यहाँ पे भाई ढेर सारे प्लस किया हूँ, दो दो चिकन निकाला हूँ आज के दिन पे, ठीक है। यहाँ पे चिकन पे अच्छा खासा प्लस मिला है, ठीक है। यहाँ पे #15, मतलब जब टॉप 10 नहीं होता तब देखो #15 पे 4 प्लस, #12 पे 7 प्लस, #11 पे 7 प्लस और #9 पे 12 प्लस। मतलब भाई यार स्ट्रगल तो है, ठीक है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और हाँ भाई खुश हूँ यार, ठीक है, इस बात से खुश हूँ कि इस बार कम से कम कोई अच्छा बंदा, यार अच्छा मतलब बड़े दिल वाला बंदा मिल गया, ठीक है। अब जिन भाई साहब की ये आईडी रहती है, इसमें मेरा जितने का रिक्वायर्ड था कि आप इतना पे कर दो, मैं आपका कॉन्कर कर दूंगा, और ये भैया जी 500 एक्स्ट्रा पे कर दिए। मैं बोला चलो भाई ये भी ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने को चैलेंज दिया है कि आपको 3 दिन के अंदर कॉन्करर करना है, तो उसके लिए ऊपर से कुछ और गिफ्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई ऐसे बंदे मिले तो भाई क्या ही यार, वाह वाह मजा आ जाए। तो भाई यार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कम से कम ये अपना मेहनत समझे। और कई बंदे तो ऐसे आते हैं यार, इतने नहीं इतने में कर दो ये वो। अब ऐसे होना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, मेहनत कर रहा है बंदा, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दे दूंगा तो कुछ मेरा कम नहीं, कम क्या, कम तो हो ही जाएगा खैर, लेकिन मेहनत तो करता हूँ यार, ठीक है, ऐसे बंदे होने चाहिए। बाय द वे ये भैया जी अपना यहाँ पे आईडी जो है हाइड करने को बोले हैं कि भाई मेरी आईडी आप यूट्यूब पे ना दिखाओ, तो जिसकी वजह से भाई आईडी का नाम यहाँ पे नहीं दिखेगा। बाकी भाई मैं पूरा अपडेट देता रहूंगा। और बात करूँ हमारे गेम प्ले के बारे में, तो ये गेम प्ले मेरे मेन आईडी का रहने वाला है, ठीक है। और हाँ, इस गेम प्ले में तबाही तो बाल्टी भर के मिलेगी, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स समुद्र भर के मिलेगा, और जो जो आपको चाहिए ना सब एकदम से तालाब भर के मिलेगा, नदी भर के मिलेगा, ठीक है, नदी नहीं, नदी वैसे बह जाता है, खैर मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बस आप वीडियो पूरा देखो, मजा बहुत आएगा। और हाँ यार बहुत बहुत यार हृदय से धन्यवाद, हृदय के अंदर से घुस के धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना बोलूं उतना कम है कि भाई आप लोग ने 8000 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए यार, ये 8000 हो गए, 8000 हो गए, फाइनली जिस चीज़ का वेट था हो गया भाई। और जल्दी जल्दी अब टॉप वर्ड क्या बोल दूँ, हाँ जल्दी से जल्दी अब 10K करवा दो, 10,000 करवा दो, ताकि फेस रिवील भी हो जाए फटाक से फुर्र। और भाई फेस रिवील करने में जितना मुझे एक्साइटमेंट है ना, आप सोच नहीं सकते हो। भाई आपको भी एक्साइटमेंट होगा, अगर है एक्साइटमेंट तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो। यार यहाँ पे क्या ही बचा हूँ, और इसको आगे से एक बंदा मार दिया, ठीक है, एचपी नहीं थी तो ज्यादा कुछ पंगा लेने का मतलब नहीं है, पीछे आता हूँ। अब यहाँ पे थोड़े बहुत हीलिंग्स मिल जाते हैं, हील भी कर देता हूँ, फिर देखो तबाही क्या करता हूँ। अरे वाह भैया जी वहाँ पे उड़ के जा रहे हैं, अब देखो डर लग रहा है कहीं कोई बंदा पीछे से रिकॉल होके ना चाप दे, एचपी भी कम थी लेकिन किल भी तो जरूरी है। चलो ये तो एक बोट ही था ना, या फिर क्या था ये, जयराम, चलो वो जयराम थे और ये हमारी मीनाक्षी मैडम थी, खैर दोनों भाई क्या पेयर था यार, मजा आ गया। मीनाक्षी मैडम जयराम भैया को मार के हमारे 2 किल हो गए, खैर अब क्या बोलूँ, खुद ही आप लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। अब देखो यहाँ पे मैं किल्स कितने निकालता हूँ, भाई बैंडेज वगैरह मिल गए थे तो हील वगैरह कर लेता हूँ आराम से। और अभी देखो सामने यहाँ पे भाई एक और बोट स्पॉट होता है, अपने पास था क्या जो है वही देख लो, क्या बताऊँ मैं, थॉमसन SMG, और इससे भी अपने ने मैंने, ठीक है, अपन ने सामने वाले बोट को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, ठीक है, बट मरा नहीं, कोई बात नहीं। चलो नीचे एक बंदे का फुटस्टेप आता है इधर पे, और ये भैया जी रहते हैं या बोट जी रहते हैं जो भी थे, इनको मार के यहाँ पे हमारे 3 किल हो जाते हैं। ओके अब ये वाला सीन देखना, ये मेरा इस गेम प्ले का सेकेंड फेवरेट सीन था, बाकी फर्स्ट फेवरेट तो मैंने इंट्रो में दिखा दिया, अब सीन देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। भाई 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 भाई
भाई लाइक कर दो भाई भाई, हेलो लाइक कर दो भाई। खैर यहाँ पे हमारे 4 के लोग गए थे, वैसे कैसा लगा ये वाला सीन मेरे को कमेंटों में बता देना। और भाई भैया जी के पास क्या ही लूट थी यार यहाँ पे भर भर के। अब यार यहाँ पे ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गया था, जैसे नीचे से एक बंदा आने वाला था, ठीक है, इसको मैं देख ही रहा होता हूँ तभी लेफ्ट साइड से एक बंदा भाई ऊपर पर चढ़ने लगता है, उसका मतलब मेरा उधर ध्यान चला गया। तो ये भैया जी नीचे से आते हैं और अपने को चाप देते हैं, और भाई मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ये कहीं से रिकॉल होके आया है और यहाँ पे मार के गुंडे ही कर रहा है, तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना मेरी जान, वापस जाना पड़ेगा और इनको ठोकना पड़ेगा, इनका बाजा बजाना पड़ेगा ना मेरी जान, ठीक है, क्योंकि मेन आईडी थी तो यहाँ पे कुछ डर दिक्कत कोई बात ऐसी थी नहीं। तो जाता हूँ वापस, देखो सीन क्या होगा। अब देखो जैसे नीचे आता हूँ ये बंदा गायब हो चुका था, बट नीचे स्मोक वगैरह हो रखा था और डर लग रहा था बंदा कहीं भी गड्ढे गुड्ढे में कहीं भी ना बैठा हो, अपने को अच्छा खासा एंगल बना के मुझसे मार दे। तभी देखो फाइनली अपना यहाँ पे बदला कंप्लीट हो गया, लाइट का यहाँ पे लाइट अप कर दिए और यहाँ पे लास्ट वाला बंदा बचा है, ठीक है। अब ये वाला सीन देखो, फाइट देखो, पहले तो भैया चौड़िया के चढ़ रहे हैं फिर ऐसे कूद रहे हैं, बताओ। खैर इनको निपटा के यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 6 किल हो गए थे और यार इवेंट भी खाली हो गया था, तो मैं सोचा ठीक है अच्छा खासे यहाँ से लूट लेके निकला जाएगा, लेकिन अभी जो सीन होगा ना वो देखना। चलो एक बोट आता है और इस बोट को मार के भाई यहाँ पे अपने अच्छे खासे 7 किल हो गए थे। मैं सोचा इतने किल में अगर मैं टॉप 10 सर्वाइव कर लूंगा तो क्या पता 1-2 किल और मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे मेरे को कम से कम यार 25-30 का तो प्लस मिलेगा क्योंकि एस पे था, ज़्यादा हाई टीयर पे था भी नहीं। लेकिन तभी देखो यहाँ पे भैया जी दो बोटवा लेके आते हैं। अब देखो पहले तो ये एकदम से चौड़िया के आए रहे होते हैं कि भाई चलो चलो मारना है, किल उठाना है, मजा आएगा, बट अभी देखना ये किस हिसाब से ना भाई, वो इंटर में दिखा दिया यार जो भी हुआ था। बस आप ये फाइट देखो, और हाँ अगर आप रैंक पुश कर रहे हो और आपका कॉन्करर क्लोज है तो भाई ये सारी हरकतें ना किया करो। छोड़ दे भाई, छोड़ दे ब्रो, छोड़ दे यार, रैंक पर रैंक। कसम से भाई इस बंदे को मार के जो सुकून मिला, जो कलेजे को ठंडक मिली ना, मैं बता नहीं सकता था उस टाइम पे। एक तो भैया जी यहाँ पे चौड़िया के चढ़ रहे हैं, मार रहे हैं, जब नॉक हो गए तो छोड़ दो भाई, रैंक पुश कर रहा हूँ, छोड़ दो, ये क्या होता है भाई, ऐसे कैसे थोड़े ना कोई छोड़ देगा। खैर यहाँ पे इसी के साथ इवेंट खाली नहीं हुआ था, एक और बंदा आ चुका था और भाई इसके साथ इसके बाद मैं काफ़ी गंदे तरीके से मर वर गया था, ठीक है, #20 वगैरह पे। खैर लॉबी भी उतनी अच्छी इसके बाद थी नहीं। अब बढ़ते हैं सीधा सेकंड गेम प्ले पे। अब यहाँ पे लैंडिंग भी होती है, गन भी मिलता है, बट बंदे नहीं मिलते। दो तो साथ में दिख गए, फिर कोई ना, एक नंगे पुंगे बंदे को मार के यहाँ पे हमारे 1 किल हो चुके थे, अपना खाता खुल चुका था। तभी देखो यहाँ पे साई से साउंड आता है लेकिन मैं ध्यान नहीं देता, और ये साई साई वाला बंदा भाई यहाँ पे वो जेट पैक का यूज करके ऊपर आ गया था जो कि अपने को भर दिया था। अब ये भैया जी का नाम रहता है आई एम हिटलर करके, ठीक है, यहाँ पे अपना खून खौल रहा था, गुस्सा आ रहा था और भाई बंदे को पटक पटक के मारने का मन कर रहा था, तो मैं सोचा चलो अब वापस जाता हूँ। बंदा यहाँ पे देखो सामने ही था कुछ पंखे के ऊपर, वो भाई चौड़िया की वापस तो आ गया था मारने के लिए, लेकिन अब मेरी फट रही थी वो भी काफी ज्यादा वाली, कि मरा तो माइनस होगा और दोबारा इस बंदे से मर गया तो बेइज्जती होगी वो अलग से, ठीक है, इसीलिए मैं सोचा यहाँ पे बैठे रहो और अच्छे मौके का वेट करो, अगर मर भी गया किसी दूसरे बंदे के हाथ से मरा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके हाथ से दोबारा नहीं मरना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैठा रहता हूँ और अच्छे मौके का वेट करता हूँ, फिर देखो सीन क्या होगा।
अब डर लग रहा था कहीं से कोई थर्ड पार्टी ना कर दे, लेकिन सीन देखो। चलो हिटलर, आई एम हिटलर एंड आई एम पिटलर। तो भैया जी को पीट के यहाँ पे हमारे 2 किल हो गए थे, अपना तो काम हो गया ना, मेरी जान, बदला लेने आए थे बदला ले लिए ना मेरी जान। अब यहाँ पे मैं सीन करता हूँ, बंदे को भाई शांति से फटाक से लूटता हूँ, और भाई जेट पैक वगैरह मिल गया था तो जेट पैक का यूज करके सामने ये जो झोपड़ी है इधर पर चला जाता हूँ, और भाई यहीं पर ना एकदम से लास्ट तक सर्वाइव करता हूँ। एक बोट आता है, बोट को मार के यहाँ पे हमारे 2 किल इजिली हो जाते हैं। अब उसके बाद जब इवेंट से सारे बंदे गायब हो चुके थे तो आता हूँ इवेंट लूटता हूँ, और भाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट जोन में प्रस्थान कर जाता हूँ। तो भाई ये सारे ट्रिक्स आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप डोमिनेटर पे हो तो भाई ऐसे भी सर्वाइव कर सकते हो, लूट भी आपका इजिली हो जाएगा। अब आता हूँ ये वाला कंपाउंड लूटता हूँ, यहीं पर होल्ड करता हूँ, तभी भाई यहाँ पे तो अपनी पेटी बनते बनते रह गई थी। खैर कोई ना ग्रोजा था भाई जी के पास, और इनको मार के यहाँ पे हमारे 4 किल हो गए थे। और हाँ, बस यहाँ पे साथ इससे सर्वाइव कर रहा था कि मेरे अच्छे से टॉप 10 हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद कोई रिस्क लिया जाए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, यही आप भी किया करो। और यहाँ पे #12 पे भी था, और भाई इसको मार लिया, अगर यहाँ पे मर जाता तो प्लस के नाम पे ना मुझे बाबा जी का ठुल्लू मिलता। खैर सामने स्मोक हो रखा है, बंदे आएंगे ना, बंदा तो आएगा, जब बंदा आएगा तो बंदा जाएगा। बंदे को मार के यहाँ पे हमारे 5 किल हो गए, और हमारा यहाँ पे टॉप 10 भी इजिली हो चुका था। अब देखो जोन अपने पे था, मैं चाहता आराम से होल्ड करता, और भाई यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता, और आराम से क्या पता आगे चल के मेरा चिकन भी हो जाता। लेकिन भाई यहाँ पे सीन देखो, ये करता हूँ भाई, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी कभी ये कर देता हूँ ना। भाई यहाँ पे एक सीन भी हो गया, यहाँ पे देखो गन हाथ में यार आती नहीं, नेट कैंसिल किया लेकिन उसके बावजूद गन जो है हाथ में आती नहीं। और भैया जी यार काफ़ी अच्छा दिमाग लगा गए थे, ठीक है, अपने को चाप दिया अच्छा खासा, यार क्या बोलूँ। खैर यहाँ पे थोड़ा सा आप डेथ रिप्ले वगैरह देख लो, प्लस तो ज़्यादा मिला नहीं। और हाँ, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और यार फिर से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कई लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ तो दिल से यार, हृदय के अंदर से घुस के धन्यवाद। और बाकी यार डेथ रिप्ले वगैरह देख लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।